एक टाइम था जब मेरे फ़ोन की बैटरी अगर 70% से नीचे चली जाती थी तो मैं पैनिक करने लग जाता था। फिर एक वो भी टाइम आया जब फास्ट चार्जर यूज़ करने शुरू किए तो 40-50% तक पैनिक नहीं होता था। पर मेरे ख्याल में जो शाओमी ने शाओमी 11i हाइपर चार्ज इस फ़ोन के साथ जो किया है उसके बाद शायद आपको बैटरी को लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। आप में से बहुत लोगों को पता होगा कि ये फ़ोन 120 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है और शाओमी का दावा है कि 15 मिनट में, सिर्फ 15 मिनट में 0 से 100% यानी फुल्ली चार्ज हो जाता है सिर्फ 15 मिनट में। कीमत जो है फ़ोन की 26,999 है 6 GB रैम वाले वेरिएंट के लिए। एक और वेरिएंट है जो 28,999 रुपये का आता है। तो अगेन आपको ये फीचर ऐसा नहीं है किसी फ्लैगशिप फ़ोन में दिया जा रहा है, काफ़ी एक मिड प्रीमियम या मिड रेंज फ़ोन में आपको ये फीचर मिल रहा है। पर क्या ये काफ़ी है? क्या सिर्फ फास्ट चार्जिंग काफ़ी है एक फ़ोन खरीदने के लिए, या शाओमी 11i हाइपर चार्ज में और भी दम है? वो आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। आप देख रहे हैं फाइबर, मेरा नाम है मानस। अक्सर जब हम अपने रिव्यूज़ करते हैं तो हम एक सेट ऑर्डर में चलते हैं। हम पहले डिज़ाइन की बात करते हैं, फिर डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस। बट आज मैंने सोचा क्यों ना शुरुआत चार्जिंग टेक के साथ कर ली जाए, क्योंकि यहाँ पर जो हेडलाइन मेकर है, सबसे बड़ा फीचर है, वो इसका फास्ट चार्जिंग ही है। देखो, मुझे नहीं पता कि कितने लोग अपना जो बाइंग डिसीजन है वो सिर्फ ये सोच कर लेते हैं कि उनका फ़ोन कितना तेज़ चार्ज हो रहा है। आप लोग मुझे इनफैक्ट बताओ, क्या कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो ये फ़ोन की चार्जिंग स्पीड है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है? पर हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि धीरे धीरे ये एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा है। अब इसके पीछे बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हाइप भी है, इसीलिए मेरा मानना है कि शाओमी 11i एक और फ़ोन लॉन्च हुआ है इसके साथ जो 4,000 रुपये सस्ता है, वहाँ आपको 67 वॉट फास्ट चार्जिंग मिलती है। मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों के लिए वो फ़ोन काफ़ी रहेगा। ये फ़ोन मोर स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जिनको बेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। और यहाँ पर जो शाओमी का दावा है, मतलब मैंने यूज़ किया है फ़ोन थोड़े दिन, मैं ये बता सकता हूँ आपको कि भाई 7 मिनट में करीब 50% ये फ़ोन चार्ज हो जाता है, 11 मिनट में 75% चार्ज हो जाता है, और 14 से 15 मिनट लगते हैं फ़ोन को फुल्ली चार्ज होने में। अच्छी बात यह है कि जो चार्जर है 120 वॉट वाला चार्जर, वो आपको बॉक्स के अंदर ही मिलता है, आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि शाओमी कहती है कि भाई 4,000 रुपये में आप अलग से भी ले पाएंगे, बट दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। यह आपको बॉक्स के अंदर इस फ़ोन के साथ मिल जाएगा। फ़ोन थोड़ा सा वार्म होता है, जब आप इतना बड़ा इतना हैवी चार्जर यूज़ करोगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा हीटिंग इशू तो आएगा, बट कुछ ऐसा अलार्मिंग नहीं है, हल्का फुल्का सा फ़ोन एकदम वार्म होता है। और अगर आपको वो भी नहीं चाहिए तो आप जाकर जो फास्ट चार्जिंग मोड है उसे टर्न ऑफ कर सकते हो। उस केस में शायद 20 से 22 मिनट के आसपास आपको लगेगा फुल्ली चार्ज होने में, अदरवाइज 15 मिनट में ये फ़ोन चार्ज हो जाएगा। हाँ, ये मुझे देखना होगा, और ये मैं अभी नहीं कह सकता कि लॉन्ग रन में इस चार्जिंग स्पीड का बैटरी कैपेसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरा ये मानना है इवेंचुअली आप देखोगे शायद बैटरी डिप्लीट हो जाएगी, बट अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी। जब से ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हुआ है, इनफैक्ट चाइना में दूसरे नाम से लॉन्च हुआ था, वहाँ पे नाम था Redmi Note 11 Pro Plus, तब से इसका लोग बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं आईफोन 13 के साथ। और मुझे वाकई नहीं समझ में आ रहा क्यों, क्योंकि कुछ ऐसा है नहीं दोनों में कॉमन, अपार्ट फ्रॉम ये जो फ्लैट एजेस हैं, इसके अलावा दोनों फ़ोन में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये शाओमी 11i हाइपर चार्ज जो है एकदम एक मिड रेंज फ़ोन की तरह ही बना है। यहाँ पर हालांकि शाओमी ने ग्लास बैक यूज़ किया है, पर ये फिर भी थोड़ा प्लास्टिक वाला फील देता है, उतना प्रीमियम नहीं है जितना Redmi Note 10 Pro Max जो पिछले साल लॉन्च हुआ था वो लगता था, उसमें भी ग्लास पैनल था, वो ज़्यादा प्रीमियम फील देता था। पर इन हैंड फील ठीक है, इन हैंड फील इज़ नॉट बैड। चार यहाँ पर अलग अलग कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मेरे पास जो कलर वेरिएंट है वो ग्रीन वाला है, कैमो ग्रीन इसका नाम है। पर शाओमी ने मुझे सारे बैक पैनल्स का एक सैम्पल भेजा था, और उनके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि जो बेस्ट कलर है वो पैसिफिक पर्ल वाला जो कलर वेरिएंट है, लुक वाइज वो बेस्ट है। बाकी डिज़ाइन एलिमेंट्स आपके बहुत बेसिक से हैं, आपको यहाँ पर NFC सपोर्ट मिल जाता है, IR ब्लास्टर मिल जाता है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, 3.5 mm हेडफोन जैक है, और एक सिम ट्रे भी है जहाँ पर आपको ऑप्शनल माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। जो कैमरा मॉड्यूल है वो भी काफ़ी हद तक Redmi Note 10 Pro Max जैसा ही दिखता है, जो ऊपर वाला सेंसर है, लेंस है, उसके अराउंड एक सिल्वर रिंग दी गई है। नीचे चार लेंस दिए गए हैं, पर यहाँ पर एक्चुअल में दो में ही सेंसर है, एक LED फ्लैश है और एक बस सिमेट्री के लिए दे दिया है,
ऐसे दे दिया, उसमें कोई सेंसर वगैरह नहीं है। यहाँ पे तो आपको ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप ही मिल रहा है, IP53 रेटेड है डस्ट और वाटर रेजिस्टेंस के लिए, तो थोड़ा आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है इस फोन के ऊपर। बाकी अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। तो जो डिस्प्ले यहाँ पर Xiaomi ने यूज़ किया है ये है 6.67 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, जिसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिल जाता है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, टिपिकल ब्राइटनेस 700 निट्स की है, 360 हर्ट्ज टच सैम्पलिंग रेट है, और मतलब जो एक मिड रेंज स्मार्टफोन के डिस्प्ले में होना चाहिए वो सब आपको बेसिकली यहाँ पर देखने को मिल जाता है। होल पंच कटआउट काफ़ी छोटा रखा गया है, बहुत टाइनी सा कटआउट है तो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब आप बोलोगे सब कुछ तो टिक मार्क हो गया है यहाँ पर, ऐसा नहीं है। दो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, एक्चुअली छोटी डिपेंड करता है कि आप आपकी प्रेफरेंस क्या है, बट दो चीज़ें हैं जो ये फ़ोन टिक नहीं करता। पहली बात तो ये कि ये जो डिस्प्ले है ये 8-bit पैनल यहाँ पर यूज़ किया गया है, 10-bit पैनल नहीं यूज़ किया। इससे पहले Xiaomi ने जो दो फ़ोन लॉन्च किए थे Mi 11 Lite और Xiaomi 11 Lite NE 5G, उन दोनों में 10-bit पैनल यूज़ किया गया था, और वो दोनों फ़ोन इस फ़ोन से कम दाम में इस वक्त बिक रहे हैं। उस पैनल से क्या होता है, बेसिकली कॉन्ट्रास्ट लेवल बेटर मिलता है, तो अगर आप स्ट्रीमिंग वगैरह करते हैं तो वहाँ आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। मैं फिर भी कहूँगा ये डिस्प्ले ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया डिस्प्ले, अच्छी ब्राइटनेस लेवल है, बाहर जाके भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, सनलाइट वगैरह के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती आपको। दूसरा जो इशू है वो यहाँ पर रिफ्रेश रेट जो है वो वेरिएबल या अडेप्टिव रिफ्रेश रेट नहीं है। यहाँ आप बस मैनुअली जाके 60 और 120 हर्ट्ज़ के बीच में चूज़ कर सकते हो। इससे पहले Xiaomi ने एक फ़ोन लॉन्च किया था, लास्ट ईयर की बात है, Mi 10 i, जो इससे सस्ता था, वहाँ आपको अडैप्टिव रिफ्रेश रेट मिलती थी जो अपने आप ऑटोमेटिकली अलग अलग रिफ्रेश रेट के बीच में चेंज कर लेता था। यहाँ आपको वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। इसके अलावा डिस्प्ले में आप एज सच कुछ है नहीं इसके बारे में कंप्लेन कर सकता हूँ। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ये पहला फ़ोन है मीडिया टेक डायमेंसिटी 920 चिप के साथ जो मैंने यूज़ किया है। इससे पहले वीवो V23 आया था इंडिया में, एक दिन पहले लॉन्च हुआ था इससे, और अब ये दूसरा फ़ोन था जो इस चिपसेट के साथ आया था। जैसा आपको बताया 8GB रैम तक का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, 128GB तक आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिल जाता है। ओवरऑल फ़ोन जो आप डेली यूज़ में जब लेते हैं ऐसे काम में तो आपको कोई दिक्कत होती नहीं है। UI बहुत स्मूद है, ट्रांजिशंस बहुत स्मूद हैं, जो ओवरऑल आपका टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट यहाँ पर Xiaomi ने जो वाइब्रेशन मोटर यूज़ किया है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। मुझे लग रहा है धीरे धीरे बहुत साइलेंटली ना Xiaomi ने अपना हैप्टिक फीडबैक काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करा है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, और वो आपको दिखता है, अब दिखने लग गया है कि आपको टाइपिंग वगैरह करने में काफ़ी एक अच्छा सा फील आता है, हैप्टिक फीडबैक काफ़ी बढ़िया मिलता है। चिपसेट 5G भी सपोर्ट करता है, तो आपको यहाँ पर कुछ 5G बैंड्स भी मिल जाते हैं, बट लिमिटेशंस के साथ आता है, और लिमिटेशंस ये हैं कि गेमिंग को लेकर खासकर आपको देखने को मिलेंगी। एक मिड रेंज प्रोसेसर है, तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, कॉल ऑफ ड्यूटी अगर आप खेलना पसंद करते हैं तो वहाँ आप उस गेम को सिर्फ मीडियम सेटिंग्स पर ही रन कर पाएंगे, उसके ऊपर ग्राफिक सेटिंग वो लेता ही नहीं है, ये फ़ोन दिखाता ही नहीं है। और अगर आप फ्रेम रेट भी मैक्सिमम पे जाते हैं तो ग्राफिक जो है क्वालिटी वो मीडियम से भी लो हो जाती है, यानी आप एकदम 25-30 हज़ार के फ़ोन में आप लो क्वालिटी में अगर गेमिंग कर रहे हो तो वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, स्पेशली जिन लोगों को गेमिंग का बहुत ज़्यादा शौक है। इस प्राइस पॉइंट पे दूसरे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, पोको F3 GT है, OnePlus Nord 2 है, Realme GT मास्टर एडिशन है, वहाँ आप बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो सेटिंग्स अवेलेबल है उन पे गेम ठीक ठाक चल जाते हैं, वहाँ आपको एज सच कोई दिक्कत नहीं होती। मेरे ख्याल में जो बाकी मीडियम साइज गेम्स हैं वो भी ये फ़ोन ठीक ठाक से प्ले कर लेता है, वहाँ भी आपको इश्यूज फेस नहीं करने पड़ते। सॉफ्टवेयर जो है वो आपको MIUI 12.5 मिलता है, Android 11 पर ये बेस्ड है, बहुत जल्दी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जैसे ही MIUI 13 अनाउंस होगा, शायद ये वन ऑफ द फर्स्ट फोन हो सकता है इंडिया में जिसको MIUI 13 अपडेट मिले। जिन लोगों ने पहले Xiaomi, Poco, Redmi के फ़ोन यूज़ करे हैं उनके लिए बहुत फेमिलियर सा ये पूरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस होगा, उन्हें कोई ऐसा ट्यूटोरियल इसके लिए नहीं चाहिए होगा। ये देख के अच्छा लगा, पहले के मुकाबले बग्स कम है, पहले Xiaomi फोन से बग्स बहुत होते थे, अब उतने बग्स आपको देखने को नहीं मिलते। जो स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं वो डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ आते हैं, हाई रेस सर्टिफाइड हैं ऑडियो के लिए, तो अगर आप एक बंद कमरे में बैठे हैं अपने बेडरूम में या लिविंग रूम में आप कुछ देख रहे हैं तो अच्छे खासे लाउड ये स्पीकर्स हो जाते हैं, और आप काफ़ी एंजॉय कर सकते हो जो भी आप कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हो। इस फोन में आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलता है, यानी तीन कैमरे मिल रहे हैं, और ये एक बार फिर से मतलब हाईलाइट करने वाली बात है कि करीब एक साल भी नहीं हुआ, 9-10 महीने पहले Xiaomi ने जब Redmi Note 10 Pro Max लॉन्च किया था, इससे सस्ता फ़ोन था वो, वहाँ आपको चार कैमरा मिल रहे थे। मेन कैमरा सेम था, 108 मेगापिक्सल 108 मेगापिक्सल,
पर वहाँ आपको 4 मिल रहे थे और आपको यहाँ पर 3 मिल रहे हैं। तो ये बात क्लियर है अब कि आगे चल के 2022 में आप स्पेसिफिकली देखोगे सिर्फ नंबर ऑफ सेंसर्स के ऊपर लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाएंगी, उसमें आप दे क्या रहे हो उसकी भी बात की जाएगी। तो यहाँ पर 3 कैमरा मिल रहे हैं, मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, अल्ट्रा वाइड जो है आपका वो 8 मेगापिक्सल का है, और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया है। ये भी मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड है बिकॉज नोट 10 प्रो मैक्स में जो 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो दिया गया था मुझे तो वो बहुत ज़बरदस्त लगा था। इनफैक्ट मेरा ना विश्वास आ गया थोड़ा मैक्रो लेंस के ऊपर, मैक्रो सेंसर के ऊपर कि हाँ इससे भी कुछ किया जा सकता है। पर यहाँ पे जो 2 मेगापिक्सल वाला मैक्रो सेंसर दिया है वो बिल्कुल यूजलेस है, मतलब आप उससे बहुत ज़्यादा कोई अच्छी फोटोज़ ले नहीं पाओगे। खैर, जो मैंने थोड़ा बहुत टाइम इस फोन के साथ स्पेंड किया तस्वीरें ली, तो मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग या ओपिनियन है वो ये है, मेन कैमरा बढ़िया काम करता है, ज़्यादातर पिक्चर्स जो आप मेन कैमरा से लेते हो वो बहुत शार्प होती हैं और उनमें डिटेलिंग भी काफ़ी सही देखने को मिलती हैं। कैमरा में आपको कलर एक्यूरेसी भी काफ़ी सही मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि इमेजेस को बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट किया गया है यहाँ पर या फिर कलर्स को बूस्ट किया गया है फोटोज़ बेटर दिखाने के लिए, तो कलर एक्यूरेसी काफ़ी डिसेंट है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कोई नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट नहीं है Redmi Note 10 Pro Max के मेन कैमरा के ऊपर। अब मैं साइड बाय साइड इमेजेस कंपेयर नहीं कर सकता, बट हाँ डायनामिक रेंज और शार्पनेस काफ़ी आइडेंटिकल है। जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो बहुत एवरेज है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक मिड रेंज फ़ोन के ऊपर। वाइड शॉट्स डिपेंड करते हैं कि आप कैसी लाइट कंडीशन में ले रहे हो, अच्छी लाइट है बढ़िया शॉट मिल जाएंगे, लाइट थोड़ी कम है तो आपको काफ़ी नॉइज़ भी देखने को मिल जाती है इन फोटोज़ में। जैसा मैंने बोला मैक्रो सेंसर काफ़ी यूजलेस है, आपको बहुत स्टेडी हैंड्स चाहिए होंगे किसी भी तरह की फ़ोटोज़ खींचने के लिए इससे। नाइट मोड ठीक है, आपको अच्छी फोटोज़ मिल जाएंगी लो लाइट कंडीशंस में भी, अगेन परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि आप किस लाइट कंडीशन में क्लिक कर रहे हो, ऑल्सो फ्लैगशिप फोन्स के मुकाबले परफॉर्मेंस हल्की ही लगेगी। सेल्फीज काफ़ी इंप्रेसिव थी, मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे बेटर सेल्फीज इस फ़ोन ने खींच के दी, बहुत ज़्यादा स्किन टोन को स्मूथ नहीं किया, और आप जाके सेटिंग्स में एडजस्ट भी कर सकते हो सेल्फीज, इनफैक्ट आप पोर्ट्रेट मोड में भी ले सकते हो, तो वो बढ़िया बात है। देखिए, ये फोन बहुत आसानी से भारत में Redmi Note 11 Pro Plus के नाम से भी लॉन्च हो सकता था, चाइना में यही नाम था, यहाँ पर भी यही हो सकता था, बट मेरे ख्याल से Xiaomi ने अब मन बना लिया है कि कोई भी फोन अगर 25,000 रुपए से ऊपर होगा तो उसको Redmi ब्रांड के अंडर लॉन्च नहीं करेंगे बल्कि Xiaomi ब्रांड के अंडर ही लॉन्च करेंगे। क्योंकि अगर लोग सोचते हैं Redmi का जो फ़ोन है वो सस्ता फ़ोन होना चाहिए, और जैसे ही आपने 25,000 का फ़ोन लॉन्च कर दिया तो लोग शायद हल्ला काट देंगे, वो ब्रांड परसेप्शन वाली बात है। अब ये ब्रांड स्ट्रैटेजी को एक तरफ रख देते हैं बिकॉज जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टैंड अलोन अगर इस फ़ोन की बात करूँ एज अ मिड रेंज फ़ोन, आई थिंक काफ़ी इंप्रेसिव फ़ोन है, आपको एक अच्छा डिज़ाइन मिल रहा है, इन हैंड फील बहुत बढ़िया है फ़ोन का, हैप्टिक फीडबैक बढ़िया है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, कैमरा परफॉर्मेंस भी ठीक है, ओवरऑल जो दूसरी गेमिंग परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी हल्की है, और वहाँ पे आप सोच सकते हो जो गेमर्स हैं वो दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं, बट जो ज़्यादातर यूज़र्स हैं उनके लिए मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस ये फ़ोन टिक करता है। स्पेशली जो लोग अपनी फ़ोन की बैटरी को लेकर हमेशा बहुत ज़्यादा एंग्शियस रहते थे, उनके लिए ये एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन है कि आपके पास अगर एक सॉकेट है आप टेंशन ही मत लो बैटरी कितनी है, 10% हो गई, 5% हो गई, लगाओ सॉकेट में, जाके कॉफ़ी पियो चाय पियो, जब तक वापस आओगे फ़ोन 70-80% चार्ज हो जाएगा। तो उस लिहाज से उस सेट ऑफ कस्टमर्स के लिए ये फ़ोन बहुत बढ़िया है। बाकी आप मुझे बताओ आपको कैसा लगा Xiaomi 11i Hypercharge, एक ऑप्शन भी है बाय द वे, अगर आपको लगता है यार ये थोड़ा ज़्यादा है, इतना भी क्या 15 मिनट में किसको चार्ज करना है फ़ोन, Xiaomi 11i भी आप ले सकते हो, 4,000 रुपये बचा लोगे तो वो भी आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी आप बताओ कॉमेंट करके आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये फ़ोन कैसा लगा, इसके बारे में आपके क्या थाट्स हैं, मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में।